नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनोज शर्मा, कोटा राजस्थान से। एक बार फिर आप लोगों के सामने हिप ज्वाइंट की समस्या को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हिप ज्वाइंट में जो नेक्रोसिस, एओवैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, उसके कारण से काफ़ी समस्याएं लोगों को पैदा हो रही है आजकल, और काफ़ी दर्द में हो जाता है। और सबसे बड़ी जो बात है उसमें एक नेक्रोसिस होने के बाद पेशेंट के जो पैर हैं वो फैलते भी हैं, वो इतना इजी वही फैलते हैं। उसके लिए कोई एक्सरसाइज भी शायद आज तक किसी ने बताई नहीं कि वो उसको कैसे अपन उसकी लेंथ को बढ़ाएं, कैसे पैरों को ज़्यादा फैला सकते हैं। थेरेपी के माध्यम से तो हम उनको बहुत जल्दी ठीक और कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ तो आ नहीं सकता। इसलिए मैं आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल कोटा से आप सबके सामने आज पैरों को किस तरीके से हम घर बैठे अपने खोल सकते हैं उसके लिए मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, और काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज ही काफ़ी आजमाई हुई है। उसमें यही है कि किसी के कम किसी के ज़्यादा, तो वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करके और कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें करने की जो चीज़ है वो ये है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे एक जगह, दोनों हाथों को अपने दूसरी जिन पर कमर पर इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद हम कंधे की चौड़ाई तक, हो सकता है कि किसी के ज़्यादा नहीं फैलें कम फैलें, लेकिन जिसके जितने भी फैलें उतने उसको फैलाने की कोशिश करनी है। वो करने के बाद एक पैर को जैसे दूर ले गए राइट को, तो फिर लेफ्ट पैर को उसके पास लेके आना, फिर राइट को दूर ले जाना है, फिर इसको इसके पास लाना है, फिर इसको दूर ले जाना है, फिर पास लाना, जितना ये खुल सकता है उतना खोलने की कोशिश करते जाओ। धीरे धीरे प्रयास करने से सब ठीक होता है, और ये यदि आप अभ्यास करते रहते हो तो ये दो चार दिन में इससे काफ़ी इफेक्ट आता है। फिर इसी प्रकार से वापस से जहाँ से हम चले थे उसी जगह वापस आना है इसी प्रकार। तो ये कम से भी कम आपको 10 से 15 मिनट ये एक्सरसाइज करनी डेली। इसको करने से धीरे धीरे आपको पहले दिन से ही इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगा, वो भी बिना किसी तकलीफ के, कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी पैरों को फैलाने की उतने ही फैलाएं, उससे ज़्यादा कोशिश ना करें। धीरे धीरे वो सब आपके अपने आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसका जो स्ट्रेचिंग है लेवल वो बढ़ता चला जाएगा, पेन भी इससे कम होगा। तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज तो ये इसके लिए है पैरों के लिए, जिससे आपको जो एवियन के जो पेशेंट हैं उनके पैर नहीं फैलते, उसके लिए ये सबसे उपयोगी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज नंबर दो, इसी के लिए दूसरे नंबर की एक्सरसाइज बताता हूँ मैं आपको, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। वो ये जो भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ पेन में तो ये काम करती है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ये बढ़ाती है, हिप ज्वाइंट की जो पावर है वो ही बढ़ाती है, सप्लाई भी इनसे चालू होती है। तो आप लोग करेंगे तो धीरे धीरे ये समझ में आएगा, हाँ वाकई में इफेक्टिव चीज़ है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कई ऑप्शन दिए हैं एक्सरसाइज के, और वो काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं, लोगों के काफ़ी कमेंट्स वगैरह उसके लिए आते हैं मेरे पास। तो ये दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको एक दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरीके से दीवार के सामने खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर इस तरीके से रख लें, और ऐसे रख के दोनों पैरों को बिल्कुल बराबर रखें, थोड़ी जगह रखें दोनों पैरों के बीच में, जो हमने शोल्डर के बराबर जगह रख सकते हैं, या जितना भी पैर अपने फैल सकते हैं, जो भी एडमिन के पेशेंट हैं उनके पैर जितनी भी फैलाव ले सकते हैं उतना फैलाएं, और धीरे धीरे एक पैर को जितना आप पीछे ले जा सकते हो खींच के उतना आप पीछे ले जाओ, जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना ऊपर ले जाओ, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, और धीरे धीरे वापस नीचे लेके आना। इसी प्रकार फिर दूसरे पैर को धीरे धीरे आप ऊपर ले जाओ और वापस धीरे धीरे नीचे लाओ। ये कम से भी कम अपन को ये प्रोसेस शुरुआत में 5-5 बार करना है, बाद में आप धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो ये दोनों एक्सरसाइज के जो दोनों प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस आपके हिप ज्वाइंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल कोटा में आप लोगों का स्वागत है, जिसके भी एवियन है उसको बिल्कुल यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, 7 डेज का ट्रीटमेंट होता है एवियन के लिए, और 7 डेज में लगभग 70-80% ही आराम लगभग मिल जाता है। तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच यहाँ पे आ सकते हैं,
आज ये बीन के अंदर जितने भी आपको जो भी इंडिया के अंदर मिले हैं तो सब लगभग मेरी स्टूडेंट है, मेरी सिखाई हुई टेक्निक है, मेरी बनाई हुई टेक्निक है। हाइड्रोजन न्यूट्रेलिटी के माध्यम से एवियन पे आज काबू पाया जा सकता है, इतने जो हिप रिप्लेसमेंट की समस्या लोगों के सामने है उससे बचाया जा सकता है काफ़ी हद तक। तो मेरे पास अभी इसमें काफ़ी डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, काफ़ी डॉक्टर्स आते हैं एवियन के ट्रीटमेंट के लिए, और भी कई तरह के पेशेंट हैं, काफ़ी अच्छे कंडीशन में वो लोग हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट उन लोगों को है। तो ये जो भी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपको फॉलो करें तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट मिले तो बताना आप ना, ये चैनल पे कमेंट्स करके बताना ये हमने किया और इसका ये बेनिफिट हमें मिला, तो उससे हमारा भी उत्साह वर्धन होगा। और ये करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेद, जय हिंद, जय भारत।